Hi guys, welcome back on my YouTube channel Vaishnavi Combined and here I am Vaishnavi Bhadauria. So after a long period of time, मैं reaction video बनाना start की हूँ. So आज मैं react करने वाली हूँ 5 second के video के ऊपर and इस video का title है The Magic Book. जैसे कि round 2 hell के videos आपने देखे होंगे ना, तो time machine and all type के videos रहते हैं, इस theme में videos रहते हैं. सो ऐसे टाइटल को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि द मैजिक बुक ऐसे ही कुछ है रिलेटेबल. मैं इससे रिलेट कर रही हूँ, कंपैरिजन भी बोल सकते हो, बट मैं 100% कंपैरिजन तो नहीं कर रही हूँ. इसलिए इस वीडियो में क्या है वो तो हमें वीडियो देख के ही पता चलेगा. एनीवे 5 second के वीडियोस पे रिएक्शन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ. सो अगर आपने चैनल पे मेरी नहीं देखे वीडियोस तो आप देख सकते हो और ये भी वीडियो देख सकते हो, और वीडियो आप मेरे पसंद आते हैं रिएक्शन वाले. सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है. फिलहाल आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये वीडियो. वैसे वीडियो बहुत लेंदी होते हैं यार, ये टीम वर्क बहुत ही अच्छा करते हैं इसलिए ये वीडियो इतने लेंदी हो जाते हैं और रिएक्शन चैनल वालों के भी एल लग जाते हैं. एनीवे स्टार्ट करते हैं. क्या बात जेंटो, बहुत खुश दिखाई दे रहा है आज. खुश तो हूँ यार, आज मैं लाइफ में पहली बार अपने पापा के लिए एक नया स्वेटर लेकर जा रहा हूँ. सहेली मिली है मुझे आज. अरे वाह, अंकल तो बहुत खुश हो जाएंगे ये देखकर. और हाँ, पैसे कब लौटा रहा है मेरे? दे दूंगा यार. यार ये मेरी पहली सहेली और ये मैं अपने पापा को देकर उनके चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ. कौन चल यार उसे बचाते हैं? अबे नहीं साले, देख तो ले कितने खतरनाक लोग हैं वो. अबे चल यार, वो उसे वरना जान से मार देंगे. साले तू मर पाएगा. आ चल. अबे ओ छोड़ इन्हें. चलो अब चुपचाप भाग जाओ यहां से. डंडा फेंक, धाड़ा लो बे इसका. मैंने दूंगा झाड़. लडूंगा झाड़ा. तुरंत बैग फेंक दी. देख लो. कौन सुन तो यार. चुप. तू साले सबसे बड़ा नेस्ती है. तुझसे दोस्ती रखना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है. एक तो साला मेरे उधार के पैसे नहीं दे रहा, और जो थे वो हीरो बनने के चक्कर में लुटवा दिए. सॉरी भाई. भाई नहीं बोलेगा तू मुझे? तो क्या बोलूं, सॉरी बहन. बहन के लोड़े, तुझे मजाक सूझ रहा है? गलती हो गई यार. मैं नहीं चाहता ये गलती तेरे से बार बार हो. और जल्द से जल्द मेरे पैसे लौटा देना, उससे पहले मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता. पैसे लौटा देना, नहीं शक्ल नहीं देखना चाहता. वाओ, आओ झाटू आओ. पापा यार, जेंटो नाम है मेरा, आप नहीं रखा और आपसे नहीं लिया जाता. है तो तू झाटू ही ना. आज तेरी सैलरी मिलने वाली थी, क्या हुआ सैलरी का? पापा वो क्या मतलब, वो खर्च हो गई. खर्च हो गई? अजी मेरा लंड हो गई. अबे रंडी पैसा करके आ रही है तू? दिया होगा पैसे अपनी किसी परी को, मुझसे झूठ बोल लिया? ये नहीं अपने बाप के लिए कुछ ले आता. अपने बाप को तो कुछ समझता नहीं है ना तू. इनके लिए तो सेटिंग ही सब कुछ है. इससे अच्छी तो मैं इस घर में औलाद ही पैदा नहीं करता, तो कम से कम मुझे ये दिन देखने तो नहीं पड़ते. सबके मम्मी पैसे ना इंडियन थेरेपी टाइप. अच्छी चिपका है. चीटी चढ़ी पहाड़ पर, चीटी ने दिया मूत. जल्दी से हाँ कर दे वरना तेरी माँ की. अबे बोलना हाँ. अबे हाँ बोल. अबे बोलता क्यों नहीं है हाँ? बॉस चूतिया हो गया. अरे टैप तो डालो इसका. तुम मुझे जान से ही मार दोगे तब भी मैं हाँ नहीं करूँगा. ओके बेबी, सी योर डिसीजन. खिम्मी माई वेपन. नो बेबी नो, नॉट दिस टाइम. आई कांट वेस्ट ब्लड फॉर दिस लूजर. खिम्मी माई पर्सनल वेपन. प्लीज ये नहीं, तुम मुझे गोली मार दो.
तूने इतने अच्छे काम नहीं किए जो मैं तुझे इतनी अच्छी मौत दूं। मैं तुझे मरता हुआ देखना चाहता हूँ, स्लोली स्लोली। मम्मी बना रहा है क्या? बॉस, अभी ये काम कौन करेगा हमारा? इसको तो आपने मार डाला। लड्डन, ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। आज ये मरा है, कल को इसकी कुर्सी पर कोई और बैठा दिया जाएगा, और जो बैठेगा वो हमारा काम करेगा। अगर बॉस उसने नहीं किया तो थ्योरी ऐसी कुछ लग रही। अच्छा, दिया जाएगा। बहुत सैलरी बढ़ाओ मेरी। नहीं बढ़ेगी। अच्छा सुन, मेरे पास एक तरीका है जिससे तू आसानी से ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकता है। वो कैसे बॉस? ओक्टा एफएक्स इस साल दिल्ली कैपिटल्स के ट्रेडिंग पार्टनर बन चुके हैं। इस ऐप में तू ट्रेड कर सकता है 35 करेंसी पेयर्स, गोल्ड और इंडेक्सेस, वो ही बिना कमीशन के। पर बॉस, मैं तो न्यू हूँ, मैं कैसे करूँगा ये सब? अबे, बिगनर्स की इन्वेस्टिंग के लिए वो लोग देते हैं एजुकेशनल कॉन्टेंट, फिर वेबिनार और 24/7 सपोर्ट, और जो उसके बाद न्यू कमर्स आते हैं उनको मिलता है एक डेमो अकाउंट। और हाँ, एक बार कॉन्फिडेंट फील होते ही स्विच करना है रियल अकाउंट से रियल प्रॉफिट के लिए, और इसमें तू सिर्फ 3,000 रुपये से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकता है। बट ये मेरे अकाउंट में कैसे आएंगे? बहुत आसान है, जो भी तेरा प्रॉफिट हो वो बैंक कार्ड या डायरेक्ट बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर ले। बॉस, डाउनलोड कहाँ से करूँ? लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर। पता चला उसका कुछ? नहीं बॉस। जल्दी पता करो। ठीक है। साला, इस दुनिया में हर किसी को बस पैसा ही चाहिए। आज पैसे के आगे दोस्ती हार गई यार। क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ, कहाँ से? ये तो बात सच है यार, कहाँ से? कुछ दोस्त पैसों के लिए बनते हैं। क्या करूँ, तोड़ दूँ? नहीं यार, सेटिंग नाराज हो जाएगी, तोड़ देता हूँ। हम तो क्या सेटिंग तोड़ देंगे, सेटिंग गुल्लक तोड़ रहे। अच्छा, तब मैं जीत लूँ। इधर चलते। कुछ भी ना, यहाँ तक काम वहाँ रहते। अबे मैं हूँ, आ कुछ ना आया, चल रहे। दस एक्स आइडियाज। अब समझा, ये ठरक खानदानी है। चुप भोसड़ी के। अबे तेरे अब्बा सर्कस में थे क्या? मैं भौसड़ी के बाप लाया क्या? रख दे इसे वहीं। दा दिव्या। अबे जाहिल डेविल है वो। अबे इस बुक को घर पढ़ लियो, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। हिंदी बताती हूँ, इंग्लिश सुनती हूँ, शायरी मेरा अंदाज है, जादू मेरा काम है, पैसों के लिए मंत्र, दुनिया में कोई भी नहीं एक जैसा, और मुझको चाहिए पैसा, छड़ी घुमाते हुए बोली। दुनिया में कोई भी नहीं एक जैसा, और मुझको चाहिए पैसा। बेकार चढ़ी है। तुझसे गड़बड़ कर रहे हैं। पापा, मैं पक गया ये टोन सुन सुन के। आई वांट मनी, चेंज कर लो इसे। ना हटाऊंगा। साले मेरी जमान टूट गई तुझसे पैसों को क्या क्या क्या, इसलिए लगाई है मैंने। पैसे देगा तो हटा दूंगा। दुनिया में हर किसी को पैसा ही चाहिए क्या? इसी चीज बनाई है पैसा। I want money। बहनचोद।
ये तो सच्ची मैजिक बुक है। डन जरा चेक कर किसको बिठाया जा रहा है उस स्वर की कुर्सी पर। रोनमिक ब्रो आपकी कुर्सी पर तो कलन बैठ रहा है। हौसले के उसकी कुर्सी पर किसे बिठाया जा रहा है जिसको हमने कल निपटाया था। बॉस उस पर उसके खलेरे भाई को बिठाया जा रहा है। ये बहन के लोड़े रिश्तेदार फ्री में मजे मारते हैं। फील्डिंग लगाओ इसकी। बॉस मैं ना खेलूं आज पिच पे इतनी कीचड़ हो रही है तुम्हें पता। हौसले के तेरी अम्मा ने सीआईडी देखकर पैदा करा था क्या तुझे। मुझे कैसे पता होगा मैं तो पेट में था उस टाइम। इस हौसले के गांडू ने ऐड कराया तुझे टीम में। बॉस आपने जस्ट लीव इट। पकड़ने के बारे में सोचो उसको। किसको? तेरी अम्मा के सेटर को। बॉस मैंने पकड़वाऊंगा उसे। हर महीने पैसे क्या खर्चे के लिए। साला दलाल। कल्लन तू मेरी बात सुन ये तो साला चूतिया है। हेलो रोहन। कौन? जेंटो बोल रहा हूँ यार तुझसे एक काम था। कौन जेंटो? मैं किसी जेंटो को नहीं जानता। तेरे पैसे देने यार। पैसे? ओ जेंटो मेरा बचपन का यार मेरा जिगरी। अबे नया नंबर कब लिया तूने? साले बचपन का नंबर है मेरे पास। घर आ जा जल्दी। जेंटो यार देख भाई उस बात का यार बुरा मत मानना। छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं यार। और बता अंकल कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे? अंकल ही तो गायब हैं यार। क्या बात कर रहा है यार? अभी रुक बंदी है बुलाता हूँ। और रात को करेंगे तो ना टपा टप टपा टप। अबे यही हूँ भोसड़ी के। अबे ये तो तेरे बाप की आवाज है। हाँ भोसड़ी के तूने कैमरे भी लगवा दिए? नहीं यार। तो फिर देख हुआ ऐसे कि मेरे पास पैसे आ गए तो मैंने सोचा यार पापा के लिए भी कुछ मंगा लेता हूँ। इंस्टाग्राम पर लड़कियां मारती हैं खूब दबा के फिल्टर। दे दो मुझे एक स्वेटर। दे दो मुझे एक स्वेटर। इंग्लिश भोसड़ी के मुझे स्वेटर चाहिए मेरे पापा के लिए। इसकी इंग्लिश क्या होगी? माय फादर इज अ स्वेटर। हाँ माय फादर इज अ स्वेटर। मतलब भोसड़ी की छड़ी जादू की है। हाँ। अबे भोसड़ी के चूतिया कम बना पैसे दे मुझे और भी काम है। वरना तू ही बता इतने सारे पैसे मेरे पास कैसे आ गए। कह तो तू सही रहा तेरी काली गांड के इतने पैसे देगा भी कौन। ये छोड़ तू ये बता इंग्लिश तो आती है ना तुझे। अरे देख है क्यूटी वाओ नाइस डीपी नो रिप्लाई एटीट्यूड ओह ओके टेक केयर। मैं साले फेसबुक पर कमेंट मार दिया क्या? मुझसे तो इतनी आवे यार। तो फिर अंग्रेजियों से चैटिंग कैसे कर ले तू? ट्रांसलेट करके। क्या आइडिया यार तू देखेगा जादू। हाँ बता क्या खावा। ब्रेड पकौड़ा। अरे घास में काला घोड़ा दे दो मुझे एक ब्रेड पकौड़ा। जल्दी से इसकी इंग्लिश बता। ग्रीन इन द घोड़ा तेरी माँ का लोड़ा। ट्रांसलेट करके बता। ब्लैक हॉर्स इन ग्रीन ग्रास गिव मी ए ब्रेड पकौड़ा। ब्लैक हॉर्स इन ग्रीन ग्रास गिव मी अ ब्रेड पकौड़ा। ओबे ओबे ये तो सच में ब्रेड पकौड़ा आ गया यार। ओबे ये तो जेंटो कमाल की छड़ी है यार। जेंटो इससे तो हम पैसे ही मंगा सकते हैं यार। मंगा। आई वांट मनी। नो मोर। ये छोड़ तू कुछ और बता। मुझे गायब करके दिखा। रुक देखता हूँ। कुतुब मीनार पे चढ़ गया पायब कर दो मुझको तुम गायब। इसकी इंग्लिश बता। डाटा खत्म। डाटा खत्म। अबे जाहिल मोबाइल का डाटा खत्म। इसको इतनी भी नहीं आती। मैं ट्राई करता हूँ इतनी इंग्लिश तो मुझे आती ही है। गायब गिरो इन द फायर। अब क्या हो गया? दिखाई नहीं दे रही। यस सचमुच का गायब हो गया। अब लूंगा लड़कियों से मजे। अबे चश्मा बनवा लिए लाल दिखाई दे जाऊंगा। ओ यार ये तो सच में कमाल की छड़ी निकली। अब मैं लूंगा लौंडियों से मजे। अब मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगा। जाने मन। इंडिया में क्या कर रही है? कोई बात ना ये भोसड़ी के हाथों में देख लिया दूर से ही रोल लिया आवाज लग लिया। अबे कहाँ हो?
पे कैसे इंग्लिश बताई तूने? मैं तो उससे पहले कह रहा कि मुझसे इंग्लिश ना आती। अबे तूने नाम तो बड़ा इंग्लिश रख रखा, जेंटो। साले तेरा नाम होना चाहिए था झांटू। आधार कार्ड में झांटू ही है। बिल्कुल सही नाम रखा तेरे बाप ने। अबे बाप से याद आया, पापा को तो कुछ सोचो यार। पापा गायब है। हाँ रिचार्ज करा के आते। राउटर के जमाने आ गए। जैसे ही मैं सारा करूँ ना एकदम डाल देना। पैंट तो खोल पहले। अबे साले ये बोरी डालनी है उस आदमी के ऊपर। ओ अच्छा आओ। टाइम तो यही बताया, कहाँ रह गया ये खलेरा? चल गया नेट। चल गया। चल यार अब पापा को ठीक करते हैं। जेंटो क्या बाइक खड़ी है यार? यार मैंने चले सब पास से देखते हैं। यार लोग किसको मांगो रॉयल एनफील्ड भाई साहब ये चाहिए। वे सालो बाइक चोरी कर रहा हो, चल निकल यहाँ से। बैठ के तो देख रहे हैं यार भाई साहब। ले इस पे बैठ के देख ले और मजा आ जाएगा। मैं बड़ा ही गुंडा बे भाई, हम तो ऐसे ही हैं। तो कोई और जाके मौजूद था। इनका तो गेम बजाना पड़ेगा। मजा गैप करो इनको। जल्दी से इसकी इंग्लिश बता। खूबसूरत लड़की बस चूतियों से ही है पटती और इनकी निकल जाए टट्टी। लाइन यार चूतियों से ही पटती है ऐसा क्यों? लड़कियों की बेइज्जती। बहना का तो बहुत सड़ी के। शुक्र है यार। चल जेंटो में चलता हूँ, मुझे काम है अर्जेंट। ठीक है चल ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन दोनों चीज़ों के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यह हमें राज रखना है। चल ठीक है मैं भी चलता हूँ अब। बॉस हम उसे पकड़ने वाले थे पर एक लड़के ने हमारे ऊपर जादू कर दिया और हमारी टट्टी निकल गई। ओ अच्छा, तो उसके पास जादू की छड़ी थी और उसने तुम पर जादू कर दिया। हाँ भोसड़ियों के राज जो सुअरों की तरह बड़ा चावल खा रहे थे, पेट तो अपने आप ही खराब होगा। और बहाना मार रहे हो जादू का। अबे कोई जादू वादू नहीं होता, चुपचाप जाके दवाई ले लो। बहुत झूठ नहीं बोल रहे हम। जस्ट शट अप, अदरवाइज आई विल गिव यू अनदर लेवल ऑफ पेन। पेन? पेन नहीं बोला। अबे बॉस यहाँ दूर दूर तक कहीं नल ना, कहाँ से भर के ले जाऊं पानी में? अबे चूतिए पेन मतलब दर्द, साले जाहिल कहीं के। डॉम ब्रो एक बात पूछनी थी। व्हाट? जब आपकी इतनी बढ़िया इंग्लिश है तो आप अपना कोचिंग सेंटर क्यों नहीं खोल लेते? बढ़िया कमाई होती क्या? मेरे लैंड गुंडा बने फिरे हो। डिग्री नहीं थी मेरे पास, एंड ऑल्सो इट्स माई पैशन। पैशन? अरे बॉस ये तो बुलेट है। और ये बुलेट है। हाँ। लगता है मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। यार इस बुक ने तो मेरी लाइफ बदल दी, अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। जेंटो आजा खाना खा ले। मैं तो ना खा लिया परसों के वाला ना। पापा मुझे भूख ना, तुम खाओ। मत खाओ सड़ी के। अब मंगाता हूँ कुछ शानदार सा। बैठे हुए कबूतर को डालते हैं दाना, मुझको दे दो तुम खाना। कुछ शानदार आगा, लेकिन इसकी इंग्लिश क्या होगी? इंग्लिश आती नहीं है। बैठा हुआ कबूतर मतलब सिट। Give me shit. अरे बहन चो। पापा कुछ खाने को है क्या? भुना हुआ केला हैगा, खागा? ये लग रहा है। और खलेरे मजा आ रही है ना हराम की कमाई खाकर?
पैदल चलोगे जब तुम्हारे पास बुलेट है तो? ये लाइफ फॉलो करने का तरीका है भाई। अरे मेरी जान, आपका बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ मैं? अच्छा ये बताओ कहाँ दोगी, मतलब कहाँ मिलोगी? पटरी वाले खेत पर? ठीक ठीक है, आ रहा हूँ मैं। बोल, तू करेगा ये काम या तुझे भी तेरे खलेरे भाई के पास पहुँचा दूँ? तुम चाहे मेरी कहानी सुनो मान लो, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा। हैंचोद, यकीन नहीं होता दुनिया में आज भी इतने वफादार लोग हैं। ना वफादारी वफादारी कुछ ना, ये तो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ, ना तो मैं काम 20 रुपये में कर दूँ। ओके लेट्स कंटिन्यू। खल्लन, Give me my personal weapon. कॉल उठा ले, उठा ले। एक ऐसे की रिंगटोन देती है। अरे बहन की लोड़ी उठा ले कॉल। की बहन का भोसड़ा मोहब्बत की। ये तो इसे जान से मार देंगे। नहीं। अब ये बनेगा शाहरुख खान। बॉस, ये तो वही है जिसने हमारी जादू से चट्टी निकाल दी थी। तो इसका मतलब इसके पास सच में जादू की छड़ी है। अलन, पता लगाओ कौन है ये। क्या हुआ अभी तेरी डेट का? धोखा दे गई यार। हैं? तुम्हारे तो बड़े कसमे वादे चलते थे भी मोहब्बत में। मोहब्बत में ही तो कट गया यार। ये ले तू फोन पकड़ अपना। कहाँ भाग रिया है? तो साले फोन ले गया मेरा। तुझे अपने फोन की पड़ लिया, यहाँ हमारा दिल टूट गया। अबे ऐसे ऐसे 100 फोन ला के दे दूंगा मैं तुझे। तुझे पता ना कितना पैसा मेरे पास अब। इतनी चर्बी थी तो तूने अपना क्यों नहीं खरीदा फोन? आदत ना यार, बचपन से मांग के चलाया ना। मुझे कुछ नहीं पता, मेरा फोन चाहिए मुझे। आ तुझे फोन दिलाता हूँ। क्या यही घर है उस सुअर का? यस बॉस, मैंने उन्हें बातें करते हुए सुना था कि ये जादू की छड़ी अपने कमरे में तुक्का लेना। ठीक है, मैं जाकर लेकर आता हूँ। नहीं बॉस, मैं जाऊँगा। ये क्या बात है? ए बुड्ढे, जेंटो घर यही है ना? हाँ। कमरा कौन सा है जेंटो का? अबे बुड्ढे, जेंटो का रूम कहाँ है? बड़ेपन बड़ेपन, साले ने गाने का एप्पन बना दिया है। हल्की बुड्ढा, रूम है जेंटो का? अब दो कोने में। डॉन बारम पुलिस जी पहले बोल दी इसने। तो 15 दिला के लाऊंगा मैं। चलिए तू
किया यार ये सब? अगर अपने बाप की जान प्यारी है तो किताब और छड़ी लेकर पुराने खंडर के पीछे आ जाना। चल रोहन, पापा को बचाने चलते हैं। कैसे बचाएंगे? इस किताब और छड़ी से। वो ट्रांसलेट के मेरे लंच से करेगा। मोबाइल तो तूने छिनवा दिया। जेंटो, ये तेरे जो हीरो बनने की चुल है ना, एक दिन तुझे बर्बाद कर देगी। क्या जरूरत थी उसकी हेल्प करने की? अगर तू उसकी हेल्प नहीं करता तो तेरा बाप मुसीबत में नहीं आता। यार मैं तो खुद नहीं चाहता कि किसी की हेल्प करूं। अब कहां से लाएंगे फोन? सेटिंग की महाकाम बॉस ट्रांसलेट करने के लिए। मम्मी कह रहे इंग्लिश बहुत जरूरी है। तो फोन खरीदना पड़ रहा है ना। क्यों बे बुड्ढे, ज्यादा ही ताकत है तेरे औजार में। नोल के देख ले, पता चल जाएगी। डोम से बदतमीजी। कौन डोम? मैम एक बार चढ़िए जरा इस पे। फिर कल्लाल जरा नाड़ा खोल सा लेगा, आज इसका औजार ही काटते हैं। डोम छोड़ मेरे पापा को। आओ झाटू आओ। पापा इसे क्या जरूरत थी नाम बताने की? अबे मैंने ना कही, वो तो बहुत सड़के तेरी शक्ल देख के कह रही है। अगर अपने पापा की जान प्यारी है तो एक किताब और छड़ी मुझे दे दो। ठीक है ले जाओ। रोहन जल्दी से इसकी इंग्लिश बता। सनम के ऊपर चढ़ गया सनम, कर दे सुअर को भस्म। फिनिश। ए राजू चलना बाबू, मेरे को अपनी मोटी वाली सिगार देना। अबे पागल है क्या बाबू, नाराज काहे को होता है? मैं तैयार हूँ ना तेरे साथ झाड़ियों में चलने के लिए। तुम मत उठा ओयो का खर्चा, नाराज ना हो बाबू। अब तू भी मरेगा और तेरा ये बाप। नहीं मैं चली देता हूँ, पापा को कुछ मत करना। Big mistake. बड़ा बड़ा डायलॉग देख रही। सो द बिग मैजिक बुक जो थी ना, अगर लिटरली मेरे पास होती ना तो मैं बहुत चीजें करती, बहुत चीजें। सबसे बड़ी चीज ना, मेरा जो ड्रीम है ना ट्रैवल करना, मैं अच्छी अच्छी जगह जाके ट्रैवल करती, सच बता रही हूँ। और ट्रैवल करने के बाद ना मैं खाती पीती, खाने पीने में इन्वेस्ट कर दी। हाँ बॉडी वॉडी थोड़ा लुक्स वुक्स में थोड़ा मैं ध्यान देती, लेकिन यार सबसे बड़ी चीज है लाइक जहां जाना चाहते हो वहां जाओ, ठीक है? बिग मैजिक से बोलो और वहां पे पहुंचो, ट्रेवल करो, घूमो फिरो, नए नए वीडियोस बनाओ, व्लॉग्स बनाओ ना, अलग अलग कंटेंट भी हो, काम भी हो यार साथ में, ताकि काम छूटे ना। और यूट्यूब वाली जो लाइफ है ना, ये ऐसी लाइफ है कि आप जो करते हो, आपको जो पसंद है वो आप कर सकते हो। काम का काम हो रहा है, पैसे के पैसे हो रहे हैं, और मजा भी आ रहा है यार काम करने में। और ऐसा बोरियत नहीं लगती है कि नहीं यार मैं बोर हो रही हूँ। ये भी एक पार्ट है जो कि एंजॉय वाला पार्ट है। सो
मैं बस ये कहूंगी द मैजिक बुक जो थी ये वीडियो बहुत लाइक स्टार्टिंग से लाइक एंडिंग तक ये जो सेटिंग वाला कॉन्सेप्ट था समझ नहीं आया यार। पहली बात तो क्या यार सेटिंग के चक्कर में लड़कियां और लड़कियों का बवाल मत ही रखो यार, बहुत बेकार होता है, प्लीज मत रखो, खुश रहो सिंगल। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यार उसका मुझे कहीं दिखा नहीं ना लड़कीपन वाला। और एनीवे मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग वैष्णवी का माइंड एंड कीप लविंग। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके